हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है वो बिल्कुल स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, कुछ इस तरह का स्क्वायर बनेगा अगर हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेप है काफ़ी स्क्वायरिश है, जो शो करती है इनकी मेहनती नेचर को। और जो फिंगर्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंथ में दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो फिंगर्स की लेंथ है वो हम मध्यमा उंगली से चेक करते हैं। अगर मध्यमा उंगली जो हथेली से शॉर्ट दिखाई देती है तो इनको हम थोड़ा शॉर्ट साइज माना जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज नेचर व्यक्ति की रहती है। तो यहाँ पर भी फिंगर्स की जो साइज़ है उनसे थोड़ी सी इनकी जो नेचर है, इनकी जो हैबिट है, वो जल्दबाजी में काम करने वाली दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली नेचर भी इनकी यहाँ पर शो हो रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी सीधी और खड़ी क्लियर लाइन्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। जो बेस फैलेंजेस हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं बेस फैलेंजेस यहाँ पर काफ़ी थिक नज़र आ रहे हैं, जो शो करते हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को। और यहाँ पर फिंगर्स थोड़ी सी टिल्टेड भी नज़र आ रही हैं, जो शो कर रही हैं सैटर्न का यानी कि शनि का प्रभाव इनके ऊपर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं इनकी फिंगर्स की लेंथ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर है तर्जनी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे सूर्या की फिंगर्स, क्योंकि सूर्या की फिंगर थोड़ी टिल्टेड भी है और थोड़ी साइज में भी शॉर्ट है। तो ज़्यादा क्वालिटीज़ गुरु वाली इनके अंदर रहनी चाहिए, काफ़ी अच्छी नॉलेज ये एक्वायर कर पाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी और मेहनती नेचर यहाँ पर काफ़ी क्लियर इनकी नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूर्या जो बुध की फिंगर है थोड़ी सी शॉर्ट है, यहाँ पर लो सेट है, लेकिन फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, जो एक अच्छी चीज़ है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर भी इनकी रह सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर इनकी बाकी की फिंगर्स की जो सेटिंग है उसको और माउंट्स को। तो सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, जो यहाँ पर हमें पता चल सके कि इनकी जो फिंगर्स की सेटिंग है वह किस तरह से है। तो यहाँ से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसी लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें मर्करी ही थोड़ा सा लो सेट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज बाकी के माउंट्स यहाँ पर अच्छी सेटिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं वन बाय वन सारे माउंट्स को। तो सबसे पहले तो काफ़ी क्लियर गुरु वल्लया मुझे इनके गुरु माउंट के ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन होना, गुरु वल्लया की फॉर्मेशन होना व्यक्ति को काफ़ी स्पिरिचुअल नेचर का बनाती है, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, दान करने की प्रवृत्ति व्यक्ति की रहती है और थोड़ी डिटैचमेंट वाली नेचर भी रहती है। इस तरह का गुरु वल्लया बनने से ऐसे व्यक्ति कई बार जो फैमिली लाइफ है उसको भी छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उससे दूर होते जाते हैं और धार्मिक ज़्यादा होते जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी नेचर रहने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन यह जो गुरु वल्लया है काफ़ी लाभ भी देता है, काफ़ी हाई पोजीशन अपनी नॉलेज की वजह से व्यक्ति को मिलती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उस हिसाब से नॉलेज भी व्यक्ति की बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर गुरु माउंट मुझे इनका काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है और गुरु वल्लया भी यहाँ पर बन रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एक तरह से इनकी लाइफ में रहने वाली चीज़ है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं अपगोइंग ऑफशूट्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ से कुछ इस तरह की लाइन्स ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही हैं, जो शो करती हैं निरंतर प्रोग्रेस को। और उसके बाद शनि की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि माउंट जो है यहाँ पर थोड़ा सा वीक है, लेकिन शनि लाइन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग और लगभग ऊपर तक पहुँचती हुई, जो लाइफ में मेहनत तो करवाएगी लेकिन कंफर्ट्स भी साथ साथ इनको मिलते रहेंगे। तो शनि माउंट को यहाँ पर एक तरह से अच्छा कंसिडर किया जा सकता है इस लाइन की वजह से। उसके बाद आप देख सकते हैं गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ इस तरह की गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन होती हुई, जिसको पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। थोड़ा सा मन जो है इसकी वजह से अपसेट रह सकता है, मूड स्विंग्स जैसी दिक्कत व्यक्ति को मिल सकती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं उसमें आर्ट के प्रति रुझान होना
और अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ व्यक्ति के भीतर होना, क्रिएटिविटी होना, ये सब चीज़ें इसके अच्छे गुण भी रहते हैं गर्डल ऑफ वीनस के। बात करते हैं आगे सूर्य की। सूर्य माउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूर्य माउंट यहाँ पर अच्छी स्थिति में नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रांग सूर्य रेखा नहीं है, बहुत ही हल्की सूर्य रेखाएं हैं। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ तो इनके अंदर रहेंगी, लेकिन जो नेम एंड फेम है यह इनको ओल्ड एज में जाकर ही मिल सकता है, उससे पहले यहाँ पर बहुत लंबी सूर्य रेखा नहीं दिखाई दे रही। आगे देखते हैं इनका जो माउंट है मरकरी, मर्करी माउंट थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी शाई नेचर रह सकती है। अदरवाइज फिंगर का साइज यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा था, फिंगर जो है फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो यहाँ पर अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी थोड़ा शर्मीला स्वभाव इनका यहाँ पर नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेन लाइंस को। तो सबसे पहले तो हार्ट की लाइन की बात करना चाहूँगा, कुछ इस तरह की जो फॉर्मेशन शुरू में हार्ट की लाइन से होती हुई नज़र आ रही है, जो शो करती है थोड़ी रोमांटिक नेचर को, थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर को। अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी क्लियर हार्ट की लाइन जो ऊपर तक बढ़ती हुई लगभग बृहस्पति माउंट तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, जो एक बहुत ही आदर्शवादी नेचर को शो करती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट की लाइन का संबंध जो है गुरु माउंट से बनता है, बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो बहुत ही अच्छी नेचर के स्वामी होते हैं। इस तरह की लाइन यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। थोड़ी सी इमोशनल नेचर भी रहेगी, क्योंकि लाइन जो है काफ़ी ऊपर तक पहुँचती हुई, कर्व काफ़ी अच्छा है इस लाइन के भीतर, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इमोशनल नेचर भी रहेगी और बहुत ही आदर्शवादी नेचर इनकी मैं देख पा रहा हूँ। अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही, काफ़ी क्लियर हार्ट की लाइन है। थोड़ी सी जो रोमांटिक और फ्लर्टी नेचर तो यहाँ पर दिखाई दे ही रही है, अदरवाइज हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी और क्लियर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन थोड़ा सा झुकाव है माइंड की लाइन में, लेकिन काफ़ी क्लियर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है, जो एक शार्प माइंड को दर्शाती है। तो यहाँ पर शार्प माइंड तो रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी स्ट्रगल भी शो हो रही है मुझे, क्योंकि बहुत सारी राहु रेखाएं माइंड की लाइन तक पहुँचती हुई आप देख सकते हैं। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो रेखाएं इनकी माइंड की लाइन को या तो टच कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं। तो ये जो लाइंस किसी भी लाइन को राहु एरिया के ऊपर लाइंस क्रॉस करती हैं या डिस्टर्ब करती हैं, तो यह थोड़ा सा स्ट्रेस तो देती हैं। तो यहाँ पर लाइफ में इमोशनल अप एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन माइंड काफ़ी शार्प है यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं। माइंड काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इमेजिनेटिव माइंड भी यहाँ पर रहने के चांसेस हैं, क्योंकि लाइन का झुकाव जो है चंद्रमा की तरफ, चंद्रमा के एरिया की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज माइंड की लाइन यहाँ पर शार्प माइंड तो बता ही रही है, साथ साथ एक काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल भी क्रिएट कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का मनी ट्रायंगल जो शो करता है काफ़ी अच्छा पैसा, यानी कि लाइफ में ये अपनी काफ़ी पैसा स्टोर कर पाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी राहु रेखाएं जो हैं इनकी फेट लाइन को भी काट रही हैं। आप देख सकते हैं यह जो सेंटर में लाइन है यह फेट की लाइन है, और जिस तरह से राहु रेखाएं इनकी लाइफ लाइन को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, और माइंड लाइन को भी और फेट लाइन को भी, तो इसकी वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। यह जो फेट लाइन है आपको दिखाना चाहूँगा बनाकर, यह जो नीचे से चलती फेट की लाइन एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट टाइप का पर्सन बनाती है, अपने बलबूते पर जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कहीं से नहीं मिलती, उस तरह की पर्सनैलिटी यहाँ पर शो हो रही है इनकी जो फेट लाइन है। लेकिन फेट लाइन को काटने वाली लाइंस कुछ बीच बीच में इनको काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में दिखाएंगी। यहाँ पर 36 के आसपास की एज में, और उससे पहले 30 के अराउंड एज में, और आगे चलकर यहाँ पर 50 के अराउंड एज में भी एक लाइन काट रही है। तो यहाँ पर इन एजेस में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का भी इनको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनेंसिस की कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पर बाहर की सपोर्ट मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। आगे चलकर यहाँ पर आप देख सकते हैं आकर एक लाइन का जुड़ना फेट लाइन से शो करता है किसी बाहरी व्यक्ति की अच्छी सपोर्ट मिलना।
तो वैसे काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन सपोर्ट भी इनको यहाँ पर मून एरिया से आकर जुड़ने वाली लाइन की वजह से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो किस्मत काफ़ी अच्छी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन कमी किसी भी चीज़ की यहाँ पर होती नज़र नहीं आ रही। आगे देख सकते हैं आप इनकी लाइफ लाइन को, सिमिलरली जिस तरह से ये राहु रेखाएं इनकी फेट लाइन को डिस्टर्ब कर रही हैं, वैसी ही डिस्टर्बेंस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के रूप में भी इनको मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइंस का काटना, लाइफ लाइन को क्रॉस कर कर बढ़ना आगे, जो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और जो एजेस हैं यहाँ पर अलग अलग एजेस में, जैसे 30 के अराउंड एज, उसके बाद 33, यहाँ पर 40 प्लस की एज है, 45 के अराउंड की एज है, और 50 प्लस की एज में भी यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मैं देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज का तो इनको सामना करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी रहने वाली है। यहाँ पर लगभग 80 के आसपास की लाइफ को यह एंजॉय कर पाएंगे। कुछ वरीज मुझे दिखाई दे रही हैं, कुछ चिंताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, वरी लाइंस जो हैं इनके वीनस माउंट के ऊपर मुझे नज़र आ रही हैं, जो इस वीनस माउंट को भी थोड़ा सा वीक कर रही हैं, जिसकी वजह से कंफर्ट्स में थोड़ी सी कमी आती है लाइफ में। और वीनस माउंट के वीक होने की वजह से जो लग्जरीज हैं उसको भी व्यक्ति अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। कुछ इस तरह का जो यहाँ पर बन रहा है इनका वीनस माउंट शो कर रहा है वीक होता हुआ। वीनस के उपाय करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जितने ज़्यादा यह है शुक्र के उपाय करेंगे उतने इनको इन जो वरीज हैं, चिंताएं हैं, इनसे निजात मिलेगी। मून माउंट यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, अपवर्ड लाइंस हैं, आड़ी रेखाएं मून पर भी कुछ हैं जो थोड़ा सा मन को अशांत रख सकती हैं, लेकिन अपवर्ड लाइंस इनको काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग भी देंगी। तो ओवरऑल यहाँ पर लाइंस काफ़ी अच्छी हैं, कुछ लाइफ में स्ट्रेस भी है और मनी वाइज कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन काफ़ी पैसा ये अपनी लाइफ में स्टोर कर पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर थोड़ी डिटैचमेंट वाले इंडिकेशंस हैं, क्योंकि तो गुरु वल्लया बन रहा है और बुद्धाज आई भी हमें धर्म की तरफ जोड़ता है। यहाँ पर जो यह है आपको आई जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं और लाइफ में आने वाली परेशानियों की वजह से भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका जो मन है वो ज़्यादा लगने लगता है। बुद्धास आई का होना और गुरु वल्लया का होना यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि लाइफ में आने वाली स्ट्रगल की वजह से यह बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनके हाथ को चेक किया और मेरी कोशिश थी कि सारे इनके सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।